हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे और यह आपके सभी एग्जाम जैसे NCL के HEMM ऑपरेटर के सभी पोस्ट हो गए, फोरमैन हो गए। साथ ही साथ फ्रेंड, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया और फ्रेंड्स आपके NTPC एग्जाम, DRDO एग्ज़ाम, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से फ्रेंड्स आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है यह वीडियो। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और आज की इस वीडियो में टोटल 35 नियुक्तियाँ डिस्कस करेंगे आपसे और यह सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको वीडियो तक को लास्ट तक देखना है। ये तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भी विद्यापति जी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सेकंड है, CBSE के नए चेयरमैन, चेयरमैन यानी अध्यक्ष फ्रेंड्स, तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अभी वर्तमान में नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा जी को बनाया गया है CBSE के। CBSE की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर, RBI के नए डिप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, तरुण बजाज जी को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट भी करते चलिए किसी एक कॉपी में, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बार बार वीडियो देखने से अच्छा एक बार आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंचार संस्थान के अभी वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वह किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, संजय द्विवेदी जी को, जिसे कि डायरेक्टर जनरल बोला जाता है, DG बोला जाता है। तो भारतीय जनसंचार संस्थान के DG के रूप में संजय द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। और जो भारतीय जनसंचार संस्थान है, इसकी जो है स्थापना थी वह 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, नाबार्ड के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, गोविंद राजुलू चिंटाला जी को नाबार्ड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सिक्स पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सेवन पॉइंट है, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है जाह्नवी फुकन जी। और जो फिक्की है, उसकी स्थापना 1927 में हुई थी, इसका जो मुख्यालय वह न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिक्की पुरुष संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, फिक्की पुरुष संगठन के अध्यक्ष जो बनी है, उनका नाम है संगीता रेड्डी जी। ये दोनों पॉइंट आपको थोड़ा भी मिस नहीं करना है, याद रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अभी वर्तमान में CMD किसे बनाया गया है? तो VN दत्त जी को बनाया गया है। फ्रेंड्स, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 में हुई थी और जो इसकी हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है वह नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दसवां है, भारतीय उद्योग संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, उदय कोटक जी को बनाया गया है इनके इसके अध्यक्ष के रूप में। और जो भारतीय उद्योग संघ है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, 11 नंबर, IFTAS, यह क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। तो इसका जो भी वर्तमान में चेयरमैन बनाया गया है, वो याद रखिएगा, TRavishankar जी को चेयरमैन के रूप में बनाया गया है फ्रेंड्स। और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। 12 नंबर है फ्रेंड्स, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। बात करें FSSAI की, तो इसका स्थापना अगस्त 2011 में हुआ था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, 13 नंबर है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसे कि शॉर्टकट में PFC बोला जाता है, तो इसके अभी वर्तमान में CMD किसे बनाया गया? तो रविंद्र सिंह ढिल्लो जी को बनाया गया PFC के CMD के रूप में, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है। और बात करें PFC की, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में स्थित है। BAFTA फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि BAFTA यानी जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो
इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, कृष्णेंदु मजूमदार जी को बाप्टा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाप्टा का जो स्थापना हुआ था वो 1947 में हुआ था, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर है NIPFP, यानी कि यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वह है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो जो इसके वर्तमान में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वह हैं उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इन्हें ही इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें NIPFP की, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है। देखिए अगला पॉइंट 16 नंबर है NHAI, यानी कि जिसे बोला जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन बने हैं इसका नाम है सुखबीर सिंह संधु। सुखबीर सिंह संधु जी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और यदि NHAI की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में होता है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। 17 पॉइंट देखिए, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहली महिला बनी है पंजाब की मुख्य सचिव के रूप में। तो जब भी कोई पहला नियुक्ति या कोई भी चीज़ में पहला महिला आए या कुछ भी हो, तो पहला वाला जो भी क्वेश्चन रहता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में विनी महाजन जी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखिए 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पैनल में जिनकी नियुक्ति हुई है वह है निकी पुनाचा जी। निकी पुनाचा जी की नियुक्ति हुई है इसमें, और इसका जो स्थापना हुआ था 1 मार्च 1913 में हुआ था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, और इसका जो फ्रेंड्स मुख्यालय है वह लंदन UK में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 19 नंबर है, गूगल पे भारत की सलाहकार कौन बनी है? जो गूगल पे इंडिया है इसकी सलाहकार के रूप में बनाया गया है शिखा शर्मा जी को। अब जो फ्रेंड्स गूगल पे है इसकी स्थापना 11 सितंबर 2015 में हुआ था, और जो फ्रेंड्स गूगल पे है इसका पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा तेज था। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 है श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा डी पी एस नेगी जी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्रम ब्यूरो को बात करिए तो श्रम ब्यूरो मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दिलीप ओमान जी को। दिलीप ओमान जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसे शॉर्टकट में ISA बोला जाता है, इसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप ओमान जी को नियुक्त किया गया। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 22 नंबर है भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि शॉर्टकट में SAI बोला जाता है, इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो संदीप प्रधान जी की नियुक्ति की गई है डायरेक्टर जनरल के रूप में, किसके? तो SAI के, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी, और फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय यह भी दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, 23 नंबर है केरल की पहली महिला महानिदेशक। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है केरल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आर श्री लेखा जी केरल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो मसालों के बगीचा के रूप में केरल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर, पब्लिक अकाउंट कमिटी जिसे कि बोला जाता है PAC, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी जी को PAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो क्वेश्चन 25 है नेस्कॉम के वर्तमान में फ्रेंड्स चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिएगा यू बी प्रवीण जी को नेस्कॉम के वर्तमान में चेयरमैन के रूप में बनाया गया है। और नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वह क्या होता है? तो जान लीजिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं आगे, 26 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, जिसे कि बोला जाता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके वर्तमान में
प्रेसिडेंट के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो नरेंद्र बत्रा जी की किया गया है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि भारत ने हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल 8 बार जीता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन जिसे कि शॉर्टकट में बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिजेंद्र नवनीत जी को द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1995 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट को आप नोट्स में लिखते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पक्के से 4 से 5 नंबर ही आपके एग्जाम में दे करके जाएंगे। और इस वीडियो में टोटल 35 क्वेश्चन ही हमने लिया है। अगला जो पार्ट रहेगा फ्रेंड्स उसमें और भी क्वेश्चन हम देखेंगे नियुक्तियों से संबंधित। तो यह सभी 2020 के लेटेस्ट नियुक्तियां हैं। तो चलिए देखते हैं आगे फ्रेंड्स। 28 नंबर है, विश्व बैंक के वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्मेन रेनहार्ट जी को विश्व बैंक जिसे कि वर्ल्ड बैंक जानते हैं नाम से उसके मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। और जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना जुलाई 1924 में हुई थी और इसकी जो मुख्यालय है वह Washington DC में स्थित है। Washington DC में DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक के ED के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो विश्व बैंक के ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, राजीव टोपनो जी को विश्व बैंक के ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए 30 नंबर है, यूनाइटेड नेशन के नए प्रतिनिधि कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र है उसके नए प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TS तिरुमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, TS तिरुमूर्ति जी को यूनाइटेड नेशन के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, या ध्यान दीजिएगा। और 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है और इसका जो फ्रेंड्स मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में। 31 नंबर है, भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, MA हम्पी जी को भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर? तो हिचेम मचीची जी को बनाया गया है ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। 33 नंबर देखिए, सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोमानिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है महदी मोहम्मद गुलेट जी की किसके रूप में? सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेटीएम मनी के CEO कौन बने हैं? तो पेटीएम मनी के फ्रेंड CEO के रूप में नियुक्ति जिनकी हुई उनका नाम है वरुण श्रीधर जी बने हैं पेटीएम मनी के CEO। बात करें पेटीएम की तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, विजय शेखर शर्मा जी स्थापना की थी इसकी, और जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, AIIB के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जीन लिंक्यून, ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसलिए आपको बता दे रहे हैं, जीन लिंक्यून जी को AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें AIIB की तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इसका जो फ्रेंड्स मुख्यालय है वह बीजिंग चाइना में स्थित है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 की नियुक्तियां देखा है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।